एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भावनास हैंग आउट। तो आज चक्राता में है हमारा सेकंड डे और अभी टाइम हो रहा है 9:15 और बाहर का मौसम आप देख लो, कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है कि कभी निकल रही है धूप और कभी पूरा मतलब धुंध से ढक रहा है। फिलहाल ये पूरा धुंध से कवर है और जो मार्केट है वो भी खुलना शुरू हो गया है। तो एक बार आपको मार्केट का और बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। ये देखो आप सामने का, ये मेरे रूम की विंडो से बिल्कुल सामने का व्यू है और उधर जो सामने वाइट वाइट दिख रहा है ना, वो सब पहाड़ियाँ हैं उधर। लेकिन हमें अभी कुछ पहाड़ियाँ दिख नहीं रही क्योंकि जब तक धूप नहीं निकलेगी कुछ दिखेगा ही नहीं। ये नीचे सामने खड़ी हैं गाड़ियाँ और ये जो आपको सामने एक गलियारा सा दिख रहा है ना, ये है यहाँ का मार्केट। तो ये धीरे धीरे अभी खुलना शुरू हो गया है। अब हम लोगों का जो प्लान है वो है यहाँ से सीधा मसूरी निकलने का। तो देखते हैं, अभी नीचे हम कुछ चाय नाश्ता करते हैं पहले और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और ये हमारी जो पलटन है साथ की वो पूरी निकल चुकी है क्योंकि हमने यहाँ से चेकआउट कर दिया है। चक्राता के मौसम को लेके कभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि आप यहाँ देखिए, अभी मैंने आपको फॉग दिखाया पीछे और यहाँ पहाड़ों पे निकली हुई है इधर धूप। तो ये सारी पहाड़ियाँ इधर दिख रही हैं और ये सारा व्यू आपको यहाँ से डार होम से मिल जाएगा आराम से। ये है हमारा रूम जहाँ हमने स्टे किया और इसके बिल्कुल बाजू में ये है एक छोटा सा रेस्टोरेंट जहाँ हमने चाय परांठे ऑर्डर किए हैं। नाश्ता करके हम लोग सीधा निकलने वाले हैं अब यहाँ से मसूरी। अभी दे रहे हैं, नाश्ता करके हम लोग निकल चुके हैं चक्राता से मसूरी के लिए। और जो ये रास्ता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है, रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं और काफ़ी मतलब साफ़ रास्ता हमें मिला, बिल्कुल भी जाम नहीं मिला। और जगह जगह सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप थोड़ी देर रुक के अपने पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर शांति बहुत है, तो आप थोड़ी देर यहाँ सुकून से बैठ सकते हो और इस नेचुरल ब्यूटी को एन्जॉय कर सकते हो। अभी हम लोग हैं रास्ते में और मसूरी है 54 किलोमीटर यहाँ से। छोटे छोटे हैं चाय के, ये देखो आप ऐसे यहाँ बने हुए हैं जहाँ पे आप चाय और मैगी अपना यहाँ ले सकते हो। हमने भी चाय मैगी ऑर्डर किया है, अभी बनने में टाइम है। और दोनों साइड आपको दिखेंगे पहाड़ ही पहाड़ और फोग धूप सब कुछ दिखेगा मतलब। और ये देखो आप रास्ते कैसे हैं, गोल 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 इस तरीके से घूमे हुए, बहुत ही सुंदर व्यू है। यह रास्ते में जो ये मैगी के शॉप हैं उनके बैक साइड में ये आपको खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो ये सामने नज़ारा है वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो हम अपने आप को यहाँ वीडियोस बनाने से रोक नहीं पाए, तो यहाँ पे मैंने भी सुमित की एक वीडियो बना दी है। पहाड़ी मैगी चक्राता के मौसम के लिए मैंने पहले भी बोला था कि इसके मौसम के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको धूप दिखाई और अब आप देखिए रास्ते में कितना ज़्यादा फोग है। तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत फोग से आपको महसूस नहीं होगी, हल्की सी गुलाबी सर्दी आपको महसूस होगी लेकिन व्हीकल चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे व्हीकल आगे बढ़ता जाएगा तो हवा से फोग सारा हटता हुआ चला जाएगा। हम लोग मसूरी पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो चुका है 1:30 बज चुके हैं और यहाँ पे मेरे पीछे है पार्किंग, काफ़ी यूज स्पेस है पार्किंग का। तो यहाँ गाड़ी पार्क करके वॉकिंग डिस्टेंस है बस, फिर सीधा आप जाएंगे हम कैंपटी फॉल। हम बीच में दो जगह रुके थे, एक जगह हम थोड़ा सा लंबा स्टे किया हमने और बहुत सारे सेल्फी पॉइंट हैं जहाँ पे आप अपने पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, अच्छे अच्छे व्यूज़ को थोड़ा सा देख सकते हो। तो वहाँ पर हमारा थोड़ा सा बस टाइम गया, बाकी रास्ता हमें बिल्कुल साफ मिला। तो अब सीधा हम चलते हैं कैंपटी फॉल। ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये जा रहा है कैंपटी फॉल के लिए जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। आज है संडे का दिन और मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, गाड़ियाँ देख के तो ऐसा ही लग रहा है। बहुत सुंदर सुंदर आपको बैग मिल जाएंगे भाई, कितने सुंदर सुंदर यार, लकड़ी के मग्गे कितने सुंदर है। ये भी सुंदर है, मैं वही तो बोल रही थी तेरे को लेके चल। अगर आप कैंपटी फॉल आए हैं और कपड़े लाना भूल गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर कपड़े, चेंजिंग रूम, लॉकर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। वैसे अगर आप अपने कपड़े लाते हैं तो बेटर होगा। और आज है संडे का दिन तो बहुत ज्यादा भीड़ है, तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि आप संडे को थोड़ा अवॉइड करें। और अगर आप आते हैं संडे को तो यहाँ पे ना आप अर्ली मॉर्निंग आ जाओ क्योंकि आप भीड़ का हाल देखो, बहुत ज्यादा भीड़ है। मतलब आपकी हिम्मत नहीं होगी इस वाटरफॉल में हम अंदर चले
जाएं, क्योंकि प्लान तो हम भी कुछ ऐसा ही करके आए थे कि हम वाटरफॉल में थोड़ा मस्ती करेंगे, लेकिन भीड़ देख के हमने अपना प्लान चेंज कर दिया कि हम इसमें नहीं जाने वाले हैं। लेकिन जहाँ पानी हो और वहाँ शिवा की एंट्री ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस लड़के को थोड़ी देर के लिए यहाँ लेके बैठना पड़ रहा है पानी में, और पंगे लेने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है। ये भी नहीं देख रहा है कि मेरे साथों का है या नहीं है, मुझसे कितना बड़ा है या नहीं है। लेकिन हाँ, वाटरफॉल को आप एंजॉय कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पानी का शोर है और जो फुहारें आ रही हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। वाटरफॉल का एक और वीडियो मैंने अपने पिछले व्लॉग में डाला है और वो है चकराता में, तो आप उसे देखना ना भूलें। लिंक आपको उसका मैं डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों जगह दे दूंगी। वाटरफॉल से हम निकल चुके हैं, टाइम हो गया है 3 और अब सीधा मिलेंगे आपसे हरिद्वार में। अभी हम लोग आ गए हैं हरिद्वार, और मसूरी से हम लोग निकले थे 3 बजे और अब बज चुके हैं 6, यानी कि हमें 3 घंटे लगे हैं वहाँ से यहाँ आने में। और अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी, पहले वहाँ डुबकी लगाएंगे और उसके बाद देखते हैं गंगा आरती, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो देखते हैं आरती हमें कैसे मिलती है नहीं मिलती है। आप मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा, अगर हो सका तो आप भी गंगा आरती देख पाएंगे। ये है गंगा मैया, और भाई ये है शाम का नज़ारा यहाँ का। का टाइम हो गया है इसीलिए घाट पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, और जिस हिसाब की भीड़ हो रही है उसे देख के मुझे नहीं लगता भाई कि हम लोग गंगा आरती देख पाएंगे, क्योंकि हमें दिल्ली भी निकलना है और 6 बजे का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो हम बहुत लेट हो जाएंगे दिल्ली पहुँचते पहुँचते। तो हम फटाफट बस यहाँ पर डुबकी लगाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखो, तैयारी पूरी हो चुकी है दीपदान के लिए और गंगा जल के लिए। बहुत सुंदर सुंदर बोट ले हैं यहाँ पर, आप गंगा जल अपने घर भी लेके जा सकते हो। ये देखो भाई, एक्चुअल भीड़ जो है गंगा आरती के लिए वो ये है, मतलब घाट भरे हुए हैं और लोगों ने पहले ही जगह अपनी रोक ली है। और आप पीछे देखिए, अभी तो लोग आते ही जा रहे हैं, मतलब जब आरती शुरू होगी तब तक ये घाट बिल्कुल लबालब हो जाएंगे। हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार से और अभी बज रहे हैं 8, यानी कि 2 घंटे हमने हरिद्वार में बिताए हैं और गंगा आरती हम नहीं देख पाए, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। अब हम जा रहे हैं सीधा दिल्ली, रास्ते में रुकेंगे कहीं, अपना डिनर करेंगे और उसके बाद घर। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।